आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रनवे लेंथ ठीक है तो ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बेसिक रनवे लेंथ जब हम इवेलुएट करते हैं हम पहले बेसिक रनवे लेंथ इवेलुएशन में क्या करते हैं हम पहले इसमें कुछ एज्शन लेते हैं ठीक है वो अजाम्पन्स देख लेते हैं क्या क्या है पहला अजम्पशन जो हम लेते हैं वो ये है दैट नो विंड इज ब्लोइंग ऑन आवर रन आपके रन पे कोई भी विंड ब्लो नहीं कर रही दूसरा अजम्पशन जो हम लेते हैं वो ये है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है दैट इज लोडेड टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी अगर आपका एयरक्राफ्ट चार टन का लोड बेर कर सकता है मतलब आपने इसमें चार टन का लोड ही डाला हुआ है ना इधर मोर नॉर लेस ठीक है सो इट इज लोडेड टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी तीसरा जो आपका इसमें एप्शन है वो ये है कि जो आपका एयरपोर्ट है योर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट द मीन सी लेवल और मीन सी लेवल का हम आर एल क्या लेते हैं जीरो इसका मतलब हमारा एयरपोर्ट न किसी एलिवेशन पे है न किसी वैली में है ये बिल्कुल इसका आर एल जो है दैट इज जीरो चौथा जो हमारा आजम्पशन है वो ये है दैट नो विंड इज ब्लोइंग एट द डेस्टिनेशन जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां पर भी हमारी मतलब देर इज नो विंड ब्लोइंग ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन जब हम डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है हमारे एयरक्राफ्ट को सो ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन नो विंड इज ब्लोइंग कोई विंड नहीं ब्लो कर रही है ऑन द वे और ना ही रन वे पे कोई विंड है फिफ्थ एजॉम्पन जो है हमारी वो ये है कि हमारा जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट होता है हमारा जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट होता है रन वे का अब इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या होता है वो देख लीजिए ऑल दो ये आप आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मान लीजिए हमारा जो रन वे है ये कुछ ऐसा है इन क्रॉस सेक्शन ऐसा है ठीक है तो ये जो है ये हमारी रनवे का हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमारी रनवे का लोवेस्ट पॉइंट है मान लीजिए इस पॉइंट का आर एल हमारा हंड्रेड uh, है और इस पॉइंट का आर एल हमारा फिफ्टी है और जो हमारी बेसिक रन वे लेंथ है वो हजार है ठीक है तो जो हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट आएगा वो किसका रेशियो है दैट इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द आर एल ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट टू द बेसिक रन वे लेंथ मैंने क्या बोला हम लिखते हैं आर एल ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट माइनस आर एल ऑफ द लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई द बेसिक रन वे लेंथ मतलब आर एल ऑफ द हाएस्ट पॉइंट हंड्रेड हो गया हमारा आर एल ऑफ द लोएस्ट पॉइंट फिफ्टी हो गया हमारा डिवाइड बाई बेसिक रन वे लेंथ हमारी हजार हो गई सो दैट इज फिफ्टी बाई थाउजेंड ये हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट आ गया ठीक है तो इस हम अज्यूम करते हैं अपनी बेसिक रनवे लेंथ की कैल्कुलेश्स में कि हमारा कोई भी इफेक्टिव ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट जीरो है मतलब हमारी जो रनवे है वो क्रॉस सेक्शन में बिल्कुल ऐसी दिखेगी ठीक है नेक्स्ट एक्जाम्पन हमारा क्या है नेक्स्ट एक्जाम्पशन हमारा ये है दैट अलोंग द वे जब हम ए टू बी जा रहे हैं हमारा एयरक्राफ्ट ए टू बी जा रहा है अलोंग दिस वे द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर स्टैंडार्ड टेम्परेचर इज में रूट फ्रॉम ए टू बी और जो लास्ट की अजाम्पन है हमारी वो क्या है कि एक स्टैंडार्ड टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस का एग्जिस्ट करता है हमारे एयरपोर्ट पे जिसको हम एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कहते हैं अब मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि इन अजम्पन्स में ऐसे कौन से एज्शन है जिनका हमें करेक्शन करना पड़ता है देख लीजिए पहला ही जो चीज है जो बिल्कुल इंपॉसिबल लगती है वो ये है कि हमारा एयरपोर्ट हमेशा मीन सी लेवल पे नहीं आएगा हमें हिली एरियाज़ में भी, करना भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हाई अल्टीट्यूड पे भी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो पहले जो हमारी करेक्शन आएगी दैट विल बी करेक्शन फॉर एलिवेशन और सिंपली एलिवेशन करेक्शन ठीक है ये पहली करेक्शन आ गई दूसरी करेक्शन हमें करनी होती है ग्रेडियंट की दैट इज ग्रेडियंट करेक्शन क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रेडियंट हमें जरूरी प्रोवाइड करना होता है अपने रन वे में और जो नेक्स्ट लास्ट की करेक्शन है हमारी वो ये है दैट अलोंग द वे द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड ठीक है तो ये वाली टेम्परेचर करेक्शन आ गई हमारी इसका लेकिन एक सीक्वेंस होता है आप कौन सी करेक्शन कब करके हो इसका एक सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड एज ईटीजी सीक्वेंस मतलब पहले आपको एलिवेशन करेक्शन करनी पड़ेगी टेम्परेचर की करेक्शन करनी पड़ेगी और फिर ग्रेडियंट की आप पहले एक और बाद में दूसरा नहीं कर सकते ठीक है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि जो आपको एक्चुअल रनवे लेंथ एलिवेशन में मिलेगी वो फिर आपको एड करनी होती है दैट इज द रनवे लेंथ यू टेक इन टू कंसिडरेशन वेन यू गो फॉर द करेक्शन ऑफ टेम्परेचर ठीक है तो एक क्यूमलेटिव एडिशन हो जाता है हमारा दैट इज हमें इस सीक्वेंस में सारे करेक्शन करने पड़ते हैं जो कि हम आगे देखेंगे अब चलते हैं आगे अब हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं केसेस हम अपनी बेसिक रनवे लेंथ के लिए तीन केसेस एनालाइज करते हैं कौन कौन सा नॉर्मल लैंडिंग का नॉर्मल टेक ऑफ का एंड स्टॉपिंग इन इमरजेंसी का ठीक है यही तीन केसेस अब हम देख लेते हैं मैंने एक डायग्राम बना दी है जो कि हम आराम से देखेंगे और एनालाइज करेंगे देख लीजिए जब आप अपने नॉर्मल लैंडिंग का सिनारियो डिस्कस करते हो उस टाइम जो आपका एयरक्राफ्ट है द मोमेंट इट रीच इज द थ्रेश होल्ड इज थ्रेश होल्ड जब हमने ये वाली डिस्टेंस एक्सप्लेन कर ली थी वहां पर मैंने आपको थ्रेश बता दिए थे ठीक है तो द मोमेंट इट रीच इज द थ्रेश मोमेंट इट इज अबाउ देश जब ये थ्रेश होल्ड के ऊपर होगा वेन यू टॉक ऑफ नॉर्मल इट शुड बी एट अ हाइट ऑफ फिफ्टीन मीटर ठीक है उसके बाद इस पूरी रन वे लेंथ में मान लीजिए आपकी रन वे लेंथ हजार मीटर्स है तो नॉर्मल लैंडिंग का केस आपका तब हो जाएगा जब आपका एयरक्राफ्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ दैट लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल में स्टॉप करेगा लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल क्या है वो भी यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे मान लीजिए आपका जो लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल है दैट इज थाउजेंड मीटर्स ठीक है तो आपका जो एयरक्राफ्ट है इट शुड स्टॉप इन सिक्सटी परसेंट ऑफ द लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल मतलब आपका जो एयरक्राफ्ट है ये छह सौ मीटर्स में ही स्टॉप होना चाहिए मतलब ये अगर आपका एयरक्राफ्ट है ये आपका एयरक्राफ्ट है या आपकी रनवे है तो छे सौ मीटर्स में ही ये एयरक्राफ्ट रुक जाना चाहिए बाकी चार सौ मीटर्स आपके साइड पे रह जाते हैं दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका एयरक्राफ्ट रुक जाना चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छह सौ मीटर्स में आपका एयरक्राफ्ट रुक गया तो आप बाकी चार सौ मीटर्स में कोई घटिया क्वालिटी का पेमेंट मटेरियल डाल दोगे ऐसा नहीं हमें करना नॉर्मल लैंडिंग में हमें थ्रू आउट द रन लेंथ पूरे इस हजार मीटर में हमें क्या करना है एक अच्छा पेमेंट मटेरियल डाल देना है ठीक है यह हुई हमारी नॉर्मल लैंडिंग की बात अब चले आते हैं नॉर्मल टेक ऑफ के नॉर्मल टेक ऑफ की तरफ नॉर्मल टेक ऑफ में क्या है आपका नॉर्मल टेक ऑफ में एक तो आपका रनवे होता है प्लस आप एक एडिशनल पेमेंट पेव्ड मटेरियल प्रोवाइड करते हो जिसको आप क्लियर वे कहते हो ठीक है जिसकी जिसकी वर्थ जो होती है वो 150 फिफ्टी मीटर्स वाइड होता है और 1.25 परसेंट उसका पॉजिटिव स्लोप हो जाता है वट इज एल ओडी एल द लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस से क्या मतलब है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द एयरक्राफ्ट अप टू दैट पॉइंट एट विच इट लूज द कंटैक्ट विद द ग्राउंड मान लीजिए इस पॉइंट से आपका एयरक्राफ्ट चल रहा है चल रहा है चल रहा है और इस पॉइंट पे आपका एयरक्राफ्ट जो है इसने दोनों नोज गेयर भी मेन गेयर भी हवा में उठा लिया मतलब इट हैज लॉस्ट कंटैक्ट विद द ग्राउंड तो यह वाली जो डिस्टेंस है आपकी दिस वुड बी कॉल्ड एज द लेफ्टॉप डिस्टेंस ठीक है और नॉर्मल टेकऑफ का केस कब आपका हो जाता है जब थ्रेश होल्ड के ऊपर आपका जो एयरक्राफ्ट है इट इज एट हाइट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है अब जरा हम ये थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करते हैं कि इसका क्या हमारा सिनारियो है देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको प्लान में दिखा देती हूँ ये कैसा दिखेगा ये ऑल हमने डिस्टेंसेज जब डिस्कस की वहां मैंने आपको दिखा दिया क्लियर वे कैसा होता है ठीक तो है तो ऐसा हमारा क्लियर वे है ठीक है इसकी विर्थ जो होती है दैट इज ऑन फिफ्टी मीटर वाइड बोथ इन केस ऑफ नॉर्मल टेक ऑफ एंड स्टॉपिंग इन इमरजेंसी ठीक है इसकी बात हम कर रहे हैं अब ये जो इसकी ये वाली हाई ये वाली जो इसकी लेंथ है ये किसके बराबर है नॉर्मल टेक ऑफ के केस में नॉर्मल टेक ऑफ के केस में आपकी जो ये लेंथ ऑफ द क्लियर वे है जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं ठीक है ये मेरा कन्वेंशन है आप आपको चोर डिनोट कर लीजिए लेंथ ऑफ द क्लियर वे है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल माइनस 115% of lift off ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए हमारी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस 2000 हजार मीटर्स की है मतलब हमारा एयरक्राफ्ट 2000 मीटर्स ट्रैवल करके दोनों गेयर्स अपने हवा में उठा देता है 2000 मीटर्स के बाद हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये जमीन के कंटैक्ट में नहीं रहता ठीक है अब हमें क्या निकालनी है अब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस हमारी आ गई एक चीज अब आप देख लीजिए जब आप इस लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को 115 परसेंट मल्टीप्लाई करते हो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरक्राफ्ट दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरक्राफ्ट टू रीच अ हाइट ऑफ टू रीच अ हाइट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है ये आप दिमाग में रख लीजिए एंड वॉट इज टोडा इन केस ऑफ नॉर्मल टेक ऑफ द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल इन केस ऑफ नॉर्मल टेक ऑफ इज वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द एयरक्राफ्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द एयरक्राफ्ट टू रीच द हाइट ऑफ टू रीच अ हाइट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मीटर्स अगर आप देखोगे ये वाली जो डेफिनेशन है और ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज सेम तो क्या ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम ऐसा लिखेंगे दैट टोडा इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ लेपटॉप डिस्टेंस सिंपल सब्सटीट्यूशन ओके एग्जाम्पल अब लेंगे हम इसमें तो टोड़ा जब मुझे निकालनी है बेसिकली मुझे निकालना क्या है मुझे ये लेंथ ऑफ क्लियर वे निकालना है ठीक है तो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस तो मेरे पास है लेकिन टोड़ा नहीं है तो हम यहां पर टोड़ा फाइंड कर रहे हैं 115 परसेंट ऑफ 115 परसेंट ऑफ 2000 ठीक है ये इवेल्युएट कर देते हैं कितना आ जाता है ये हमारा 2645 मीटर्स आ जाता है ठीक है एंड ये 115 हंड्रेड फिफ्टी ऑफ वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ जो टू थाउजेंड हैिफ्ट ऑफ डिस्टेंस ये हमारी 2300 मीटर्स आ जाती है अब जब मैं क्लियर वे की लेंथ निकालना चाहूं लेंथ ऑफ द क्लियर वे इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोडा माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस दैट इज वन हाफ ऑफ टू सिक्स फोर फाइव माइनस ये हमें निकल के आया ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तो अगर हम ये इवेल्युएट कर दे टू सिक्स फोर फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू ये हमारा आंसर आ जाता है वन सेवेंटी टू पॉइंट फाइव आप ले लीजिए वन सेवनटी थ्री मीटर्स मतलब ये जो आपकी ये वाली लेंथ है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन सेवनटी थ्री मीटर्स आप वन सेवेंटी थ्री से ज्यादा ये प्रोवाइड नहीं कर सकते ठीक है अगर हम इससे ज्यादा मीन्स इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन तो हम लोअर वैल्यू पे ही चले जाएंगे हम वन वन ही ले लेंगे वन सेवेंटी वन दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन वन टू बी ऑन द स्टेप साइड ठीक है तो ये कौन सा केस था हमारा नॉर्मल हमारा टेकऑफ का आपको एक कैलकुलशन दिखा दी अब चलते हैं इमरजेंसी का केस रैली हो जाता है इसमें क्या होता है हमारा जो एयरक्राफ्ट है इसने कुछ एक्सेलरेट कर लिया होता है ठीक है हमारे एयरक्राफ्ट ने कुछ एक्सेलरेट कर लिया होता है और कुछ एक्सेलरेशन के बाद ही हमारा इंजन फेलियर आ जाता है और हमारे एयरक्राफ्ट को रुकना पड़ता है अगर आपको ये याद हो तो इसमें मैंने आपको स्टॉप वेज का कॉन्सेप्ट बोल दिया था ये स्टॉपवेज जो है ये सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है इस वाले केस में ठीक है अब देख लीजिए क्या होता है ये आपका रनवे है ये आपका रनवे है इसी के वृत्त का आप प्रोवाइड करते हो स्टॉप वे इसी व्रथ का आप क्या प्रोवाइड करोगे स्टॉप वे और उसके बाद आपका आ जाता है क्लियर वे ठीक है क्लियर वे का स्कोप स्लोप आप याद रख लीजिएगा इट वॉज वन परसेंट पॉजिटिव स्लोप ठीक है तो ये स्टॉप फेज क्यों प्रोवाइड करते हैं देख लीजिए आपका एयरक्राफ्ट जो था यहां तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर ली थी और यहां पर इसका इंजन फेलियर हो गया ठीक है इंजन फेलियर जब इसका हो गया तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके अब ब्रेक सप्लाई करेगा ब्रेक सप्लाई करने के बाद इसकी कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस सजाएगी मतलब देर आर वेरी हाई चांसेस कि हमारी पेमेंट लेंथ में हमारी रन वे लेंथ में हमारा एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट स्टॉप नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ता है हमें एक एडिशनल क्लियरेंस एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि ऐसे सेसिस में हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो रुक जाए ठीक है क्लियर वे जो है क्लियर वे में हमारे एयरक्राफ्ट्स नहीं चलते ठीक है क्लियर वे एक अनऑब्स्ट्रक्टेड पेमेंट होता है ठीक है जो सिर्फ क्या करता है एक अपलिफ्ट थ्रस्ट देता है हमारे एयरोप्लेन्स को दैट्स इट मतलब एक अपलिफ्ट डायरेक्शन देता है हमारे एयरक्राफ्ट को इस पर एयरक्राफ्ट चलते नहीं है ठीक है लेकिन स्टॉप वे जो है इसकी आप विर्थ थोड़ी सी इसकी थिकनेस थोड़ी सी होती है बट लेस देन द थिकनेस ऑफ द रन ठीक है और ये आप जो देते हो द स्टॉप वे दिस इंक्लूड वाइल एयरक्राफ्ट इज ट्राइंग टू स्टॉप इट कैन स्टॉप ऑन द स्टॉप वे टू मतलब आपको ये उसी स्ट्रांग मटेरियल का प्रोवाइड करना है जिस स्ट्रांग मटेरियल का आप अपना रनवे प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है लेकिन इसमें जो है इसमें जो एयरक्राफ्ट है इसकी ऑलमोस्ट स्पीड जो होती है इट स्टैंडिंग टू तो जीरो इसीलिए यहाँ पर उतना लोड नहीं आएगा दैट इज एम थिकनेस कम प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब इसमें एसडा है और टोडा है इसमें टोडा बिल्कुल ऐसे ही देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो मैंने आपको डिस्टेंसेज आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा इसमें मैंने आपको डिस्टेंसेज समझा दी थी टोडा कहां से होता है एटसेट्रा एटसेट्रा तो टोडा रनवे स्टार्टिंग से क्लियरेंस के एंड तक हमारा टोडा आ गया वॉट इज एसडा दिस इज एक्सलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल ये भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्ट ऑफ द रन टू द एंड ऑफ द स्टॉप पे ये आ जाता है ठीक है इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि नॉर्मल टेक ऑफ में आपको पता था कि टोडा वॉज क्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट ऑफ द डिस्टेंट ट्रेवल्ड बाय द एयरक्राफ्ट रीच अटीटर्स एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करते थे डिस्टेंस को जो एयरक्राफ्ट ट्रैवल करता था इस हाइट तक पहुंचने के लिए लेकिन स्टॉपिंग इन इमरजेंसी में आपकी जो टोडा होती है दिस टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रीच अ हाइट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मीटर विद नो परसेंटेज अपलाइड ठीक है आपकी जितनी भी डिस्टेंस एयरक्राफ्ट लेगा इस इस हाइट तक पहुंचने के लिए लेता अगर वो ले जो आपको एयरक्राफ्ट लेता डिस्टेंस टू तो रीच हाइट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मिनट उसी को आप यहां पर टोडा हो गया तो यही इन दो केसेस में डिफरेंस आ जाती है ठीक है और ये याद रख लीजिए कि जो क्लियर वे होता है ठीक है यहाँ क्लियर वे की विड तो यहां पर भी वन फिफ्टी मीटर्स होती है लेकिन दिस ये जो है हमारा ये लेंथ ऑफ तो द क्लियर वे इट शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ टोडा माइनस लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो इट शुड नॉट बी जो इसका क्लियर वे है द क्लियर वे शुड नॉट बी मोर देन वन हाफ द डिफरेंस टू द एंड एल ठीक है और ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि ये जो तीनों केसेस हमने कंसिडर किए थे जेट इंजन एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन एयरक्राफ्ट के लिए तीनों केसेस हम कंसिडर करते हैं लेकिन जब आप पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट की बात करते हो तब आप सिर्फ दो केसेस कंसिडर करते हो कौन कौन सा केस एक तो पहला केस नॉर्मल लैंडिंग का केस और स्टॉपिंग एंड इमरजेंसी का केस ठीक है और जो केस आपको हाइएस्ट रन ऑफ रनवे लेंथ देगा दैट इज फाइनली रिकमेंडेड सो दिस वॉज ऑल अबाउट द Basic on V length.